नाम पढ़े जी जी बिल्कुल पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे जी। चैलेंज है मेरा, अगर मेरा चैलेंज आपको गलत समझ में आए तो बंदूक उठाइए गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए आप मार दीजिए। हमको आंसू बहा रही है जब किसी के घर में हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी की डोली उठती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी के घर में शादी के शहनाई बजती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। जब किसी को दुल्हन बनते देखती है, एक गरीब की बेटी तड़पती है। ये नारा लगाने वाले बताओ कयामत के मैदान होगा, ये गरीब बच्चिया जब अपने आका के पास पहुंचेगी आराम से करेगी मेरे मुस्तफा वह मान सल्ला रहमत में अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था मेरे मुस्तफा। हम गरीब पक्षियों का कसूर क्या था मेरे हाथ पीले ना हो सके? हम गरीब पक्षियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके? हमारे घर से शादी की डोली ना उठ सकी? या रसूल अल्लाह, ये नारा लगाने वाले हैं, ये जलसा करने वाले हैं, ये जुलूस निकालने वाले हैं, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप खेत बंधक रखकर इन लड़कों को नकद दे सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी इन लोगों का सौदा कर सके। बोल बोल बोल, अगर मुस्तफा की बारगाह में ये गरीब बच्चियां मौत का अर्ज करेगी तो बोल अपने मुस्तफा को क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? ए आज के जलसे में आने वालों, आसिफ फिरपा अल्लामा इलियास कादरी साहब की दुआएं लेकर मैं इजाजत देता हूँ। ए लोगों, तुम मांगो 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 जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, आज मैं जाकर अपने करीब सुभान अल्लाह। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो ये बहादुर शाले रहमा का स्टेज है, उनके उर्स का जलसा है। बोल, इस मजमे में कम से कम 5 कुवारा लड़का खड़ा हो जाए और ऐलान करे कि हमारी शादी नहीं हुई है, हम वादा करते हैं लड़की के बाप से कोई मुतालबा नहीं। अल्लाह है कोई 5 नौजवान खाजा के हिंदुस्तान में, एक लड़का तो खड़ा हुआ था, तुम खड़ा रहो, दो हो गया सुभानअल्लाह, तीन अल्लाह सुभानअल्लाह है कोई सुभानअल्लाह, तीन हो गया सुभानअल्लाह, दो 6 हो गया सुभानअल्लाह। नारा लगाइए, नारा कौन कहता है कि जलसों से काम नहीं होता? तुम जितना 40 दिन तक आवारों के तरह फिर कर काम नहीं कर सकते, सुन्नियों के जलसे में एक रात में उतना काम हो जाया करता है। जिन लोगों ने वादा किया नहीं लेंगे, देख ला गरीब नवाज का फैजान मिलेगा इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह के नवासे का सदका मिलेगा बेशक। अगर तुम लोगों से भी पूछे कि कौन देगा तो कहना कि देने वाला है चाचा, बोलो देने वाला है चाचा।
एक घंटा से ज्यादा हो गया। हजूर जी घंटा 10 मिनट हो गया, तुम्हारे 5 मिनट दो। इनका हम मानेंगे हम। हाँ हाँ हाँ। एक और बीमारी, एक बाप काफी मेहनत के बाद अपनी एक बेटी की शादी करते हैं। जी बेशक जी। बेटी रुखसत होती है, बेटी भी खूब कूद कर होती है। जैसे मेरी शादी हो रही थी, तो जब लड़की रुखसत हो रही थी, मेरी घर वाली काफी रो रही थी। मेरे बड़े भाई काफी गर्म हो गए ना, तुम हंसेगा। मैंने कहा आज ही पर मेरे पास हंसने का टाइम है, इसके पास आज ही पर रोने का टाइम है, कल से तो जिंदगी भर हम किस रोना पड़ेगा। आज पर हमको हंसने दो, तुम लोग भी हंस लो, इतना हंसना है। शादी के वक्त चुमाया जाता है कि नहीं? खर्चे का चुमाते हैं हमको भी, मेरी माँ चुमा रहे थे, ऐसे पैसा निकाल के हम दे नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। ऐसे लाई 100 रुपया ऐसे करके घुमाए, तुम अपनी शादी में हमको दावत देना, हम जरूर घुमाएंगे। ऐसे करके घुमाई तो हमको हंसी आ गई, मेरी माँ कहीं हंसा की दूसरी मरतबा घुमाई, मैंने कहा ऐसा है मेरी अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी अच्छी अम्मी जान, आज है तुम्हारे पास टाइम है। का मतलब मैंने कहा जितना घुमाना है जितना घुमाना है आज भर घुमाना का, कल से मैंने कहा आ रही है ना, का मतलब मैंने आ रही है वो जो घुमाएगी ना, किसको हम कहे तुमको घुमाएगी, हमको कहे घुमाएगी तुमको घुमाएगी, हम कहे हम बगैर घुमाए घूम रहे हैं, कभी झारखंड में कभी बिहार में कभी दिल्ली में, तुम घर में रहोगी तुम घूमोगी, कैसे घुमा देगी, यही होता है। शादी के बाद लड़का लोग ले माँ दे माँ, ले माँ दे माँ, शादी वो भी 1 महीना हुआ, बीवी कहे कि प्रेयर एंड लवी चाहिए, एक भी बोले कि 3 लाख, इसलिए कि उसका बाप से 1.5 लाख रुपया लेके आया, उसका बाप का दिए हुए पलंग पर सो रहा है ना। फिर अगर किसी कोई अपने बेटे की शादी में इमाम साहब को ले गया तो हश्र क्या होता बारात में जानते हैं? जब लड़की रुखसत होती है तो टीवी लड़का का बाप, फ्रिज लड़का का बाप, पलंग लड़का का बाप, सोफा लड़का का बाप, लड़की वाला आएगा कि संदीप साहब कि कुरान शरीफ है, कहेगा इमाम साहब दे दीजिए। ये नहीं बोल रहा टीवी हम ले जाएंगे, फ्रिज इमाम साहब को, कुरान शरीफ जैसे ले गए इमाम साहब को, फिर से कहेगा हम भी एक शादी में गए थे, हम जान रहे थे कि मेरे साथ होगा। मैं गाड़ी में आकर के बैठ गया, मैं बुकिंग क्लास से देख रहा था, आया घूमते घामते कहा मौलाना, मैंने कहा मौलाना साहब तुम्हारा बाप बोलेगा, लगाओ साहब, इसी में हालत किया। मैंने कहा मौलाना साहब का आगे बोलो, कहा ये कुरान शरीफ है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, कहा कि मौलाना साहब ले लेते। मैंने कहा मेरे बारे तुमको पता है कि मैं हाफिज हूँ? क्या नहीं पता। मैंने कहा बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक पूरा कुरान जुबानी याद है, थोड़ा सा इन्ना आतैना कल कौसर सुनाओ। कहा हमको याद नहीं है। मैंने कहा रखना तुमको चाहिए, हमको दे रखा, ठीक है हम ही रखेंगे, हम जा रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, ये बेटी का मुकद्दर, इसलिए नौजवानों मैं कहूँगा कि खुदा के वास्ते कभी अपनी बीवी पर जुल्म मत करना, मत मारना बच्चियों को, मत मारना इन बेटियों को, इसलिए कि ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, ये किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की नवासी भी है, किसी की पोती भी है। क्यों मारते हो अपनी बीवी को, क्यों डांटते हो बिना वजह अपनी बीवी को,
क्यों इन पक्षियों पर जुल्म करते हैं? मैं तो खुदा की कसम पक्षियों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इन पक्षियों का एहसान है कि अपने बाप के घर से नए घर में जाती है, शिफ्ट करती है। सास का मिजाज नहीं मालूम, ससुर का नहीं मालूम, शौहर का नहीं मालूम, देवर का नहीं मालूम, नंदोसी का नहीं मालूम, फिर भी ये बच्चियां जाती है। सास के डर से खामोश रहती है, ससुर के डर से खामोश रहती है। इसलिए कभी भी मैं हर बूढ़े को कहूंगा, कभी भी अपने बहू पर जुल्म मत करना। अपनी बहू को बहू नहीं समझना, बल्कि अपनी बहू को हमेशा अपनी बेटी समझना। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा कि तुम भी अपनी बहू को कभी बहू मत समझना। मत समझना तुम्हारे घर बहू आई है, बल्कि ये समझना कि तुम्हारे घर बेटी आई है। और मैं अपनी बेटियों से भी कहूंगा कि तुम भी ससुराल जाना तो अपने ससुर को ससुर नहीं समझना, बल्कि उसको अपना बाप समझना। अपनी सास को सास नहीं समझना, बल्कि समझना ये मेरी माँ है। जिस दिन हर सास अपनी बहू को बेटी समझेगी और जिस दिन हर बहू अपनी सास को माँ समझेगी, उस दिन किसी भी घर में बहू और सास का झगड़ा हो देश। बहुत अच्छा पैगाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने शौहर के घर पहुंची, बेटा हो या बेटी हो, ये परवरदिगार आलम देता है। जी जी। जिसे चाहता है बेटी दिया, जिसे चाहता है बेटा दिया। बच्ची गई अपनी ससुराल, हो रहा है। अगर एक बेटी हुई तो ससुराल वाले थोड़ा खामोश रहते हैं, मिठाई बांटते हैं। फिर अगर दूसरी बेटी हो गई उस बच्ची को, तो ससुराल वालों का चेहरा थोड़ा सा उतरता है कि फिर इस साल बेटी हो गई। अगर लगातार तीसरी बेटी हो गई तो ससुराल वालों का चेहरा बिल्कुल छुहारा के तरह सूख जाता है और कहती है माशाल्लाह कि मेरे बेटे की किस्मत फूट गई, फिर बेटी आ गई। वो बच्ची पर जुल्म होता है, बच्ची सताई जाती है, बच्ची को ताना दिया जाता है। आजकल नया सिस्टम चला है अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड का बच्ची फिर हमला होती है तो आजकल लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब देख के बताइए मेरी बीवी के पेट में बेटी है या बेटा है, बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं। जी जी हो रहा है। लेके गई, सास भी है शौहर भी है साथ में, बुढ़िया तसल्ली दे रही है, मत घबराना बेटा, अल्लाह चाहेगा तो बेटा होगा बेटा, अल्लाह सलामत रखे बेटा। और बहू को बोली थोड़ा तेजी से चलो ना, उससे में चलो ना तेजी से। अरे डॉक्टर शौहर कहा डॉक्टर साहब थोड़ा देख के बताइए आएगा या आएगी, मतलब अरे मतलब आएगा या आएगी का क्या मतलब, बेटा है या बेटी देख के बताइए। कहा अंदर चलो, बीवी अंदर चली गई, बुढ़िया बाहर में है, उसका बेटा भी बाहर में है ना। माँ बेटे का पसीना पोछे और बेटा माँ का पसीना पोछे। माँ कह रही बेटा घबराना नहीं, बेटा कह रहे हाँ माँ एकदम हम नहीं घबराएंगे माँ, है ना, तुम दुआ करो माँ। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आया, कहा किधर है, मुबारक हो। क्या हुआ, मुबारक हो, मुबारक हो, पोजीशन क्या है, आएगा आएगा आएगा। सही बोले डॉक्टर साहब बेटा है, अरे बेटा है, डॉक्टर साहब 1000 लीजिए। अब बेटा है ना, अब इसका प्यार देखिए, अब प्यार देखिए। बीवी चल रही है, सास भी साथ में है। कुछ दूर जाने के बाद बेटा है ना पेट में, शौहर अपने बीवी से कहता है बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम काम करो। भी बोलते क्या कहता था, काजू खाए नहीं खाए। अब बुढ़िया का ड्रामा देखिए, हम माँ है कि नहीं है, अभी बेटा है तो माँ हो गई, माँ है कि नहीं, कहा आप कैसे नहीं है, अब तो माँ है, का बात नहीं मानेगी, कहा कैसे नहीं मानेगी, कहा कम से कम नारियल का पानी तो पी लो। प्यार है, ये मोहब्बत है, क्यों पेट में बेटा है, ये तस्वीर का पहला रूप है। अब दूसरा रूप देखो, जी जी, अगर डॉक्टर ने कह दिया तेरी बीवी के पेट में पलने वाला बेटा नहीं है बेटी है,
तो ये नारा लगाने वाला, ये मुहर्रम में डंका पीटने वाला, ये खिचड़ा खाने वाला, ये झंडे लगाने वाला फौरन कहेगा डॉक्टर साहब हमें बेटी नहीं चाहिए, इसे मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खलास कर दिया जाए। ए बेटियों से नफरत करने वालों, अपनी बीबियों के पेट में बच्चियों को मारने वालों, आप कुरान पढ़ो, कुरान फरमाता है वाइदल मौदत सोएत कि इस बच्ची का कसूर क्या है जिसे मार दिया गया, इस बच्ची का कसूर क्या है जिसे दुनिया में नहीं आने दिया गया। बेटियों से नफरत करने वालों, अगर वाकई बेटियों से इतनी नफरत है तो बंद कर दो मुहर्रम में जुलूस निकालना, बंद कर दो मुहर्रम में झंडे फहराना, बंद कर दो मुहर्रम में या हुसैन कहना बंद कर दो, इसलिए के मेरे नबी का खानदान बेटे के नहीं चला है। नफरत के लिए नहीं आए, बेटियां मोहब्बत के लिए है। और मेरे आका फरमाते हैं कि बेटियां रहमत है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आका क्या फरमाते हैं कि बेटियां रहमत है, और यही बेटी अगर मां बन जाए तो मां के कदमों के नीचे जलना है। क्या मकाम है बेटियों का, क्या मर्तबा है। इसलिए याद रखना, बेटा हो या बेटी हो, रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं, मेरा परवरदिगार साथ है, वो रिस्क देगा देगा और नबी के सर के देगा देगा। अभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि देने वाला सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबका उठना चाहिए या नहीं तो मुझे को हमेशा के लिए उठना नहीं। एक शेर और पढ़े जी जी, पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। चैलेंज है मेरा, अगर मेरा चैलेंज आपको गलत समझ में आए तो बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। किसको मारिएगा? मेरे अलावा जिसको चाहिए आप मार दीजिए, हमको जाने दीजिएगा। किसको मारिए? मौलाना अशरफ साहब देखिए इधर है, ये बंदूक के डर से पीछे बैठे, कि पहले इधर लगे तब इधर लगे। आपको नहीं मालूम है कि चलाएगा तो धीरे से हम मारेंगे। एक से पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे, इराक वाला, ईरान वाला, बांग्लादेश वाला, अमेरिका वाला, रूस वाला, चीन वाला, जापान वाला, सब पढ़ेगा। और अंबियाए कराम की मौजूदगी में पढ़ेगा, कब पढ़ेगा? महशर के मैदान में पढ़ेगा, जब मेरे नबी के सर पर शिफात का ताज रखा जाएगा तो पूरे महशर वाले पुकार के कहेंगे क्या, कि अपने मौला का प्यारा लगा कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप कुछ लोग तकरीर सुन रहे हैं। मौला मौला जो लोग जलसे में आए, मौला इन तमाम लोगों की नेक मुरादें पूरी फरमा दे। जो बच्चे
जलसा सजाने में मौला दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी हलाल कमाई देते हैं, मौला उन तमाम बच्चों के कामों में तरक्की अता फरमा। मौला जो बच्चे हमारे बाहर में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अभी मुल्क के हालात नासाजगार हैं, मौला उन तमाम लोगों को, तमाम बच्चों को गौसे आजम की पनाह अता फरमा। मौला गौसे पाक के पनाह में रख। बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से दिल एकदम मेरा 15-16 तरह हो रहा है आज के मुझे को देखने के बाद, काफी खुशी हो रही है। बोलो अपने अल्लाह। एक बात सुनो जी, मेरी बेटियों होने दीजिए, बगैर मैं के मैं पहुंचा देना। सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम सऊदी रियाद से मोहब्बत नहीं करते हैं, हम तो मुस्तफा की आल से मोहब्बत। आप बात सुनो मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम लोग अपने शौहर से बड़ी झगड़ा करती है, बड़ी झगड़ा करती है। अगर 200 रुपया का सूट लाके दिया शौहर तो कहेगी, तुमको कुछ समझ में आता है? 200 का लेने मान एकदम ऐसा झगड़ा करेगी जैसे लग रहा है कि अमेरिका इराक की लड़ाई हो रही। ऐसा मत करो, मत करो, अपने शौहर पर जुल्म करो। अगर तुम्हारे शौहर के औकात 100 रुपए सूट देने की है, अब मोहब्बत के साथ वो 100 रुपए की सूट लेके आता है, तुम खुशी खुशी उसे कबूल करना, अपने शौहर का दिल कभी मत तोड़ना। तुम दुआ करना कि अल्लाह तुम्हारे शौहर को आग तरक्की दे, और तरक्की दे। सुनो सुनो एक बात सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, जो बीवी